हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम द हिंदू के आर्टिकल्स में जो एक इसमें प्रोफाइल सीरीज आती है उसमें है फॉट फॉर लैंड एंड आइडेंटिटी, मतलब अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई और उसकी पहचान के लिए, है ना। तो यहाँ पर एक जनजाति है जो कि कुकीज़ जनजाति है। तो इसने क्या किया है, फॉट फॉर लैंड एंड आइडेंटिटी के लिए धरना प्रदर्शन किया है, मतलब प्रोटेस्ट कर रही है। कहाँ पे, मणिपुर में, है ना। तो इसका जो मेन है क्या है, द हिल ट्राइब्स ट्रेडिशनल माइग्रेटरी पैटर्न एंड इंगेजमेंट इन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। देखिए, ट्रेडिशनल माइग्रेटरी मतलब ये पैटर्न मतलब इनका जो परंपरागत तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करना, मतलब आना जाना। इंगेजमेंट इन शिफ्टिंग यानी जूमिंग खेती है प्लेड आउट इन कॉन्फ्लिक्ट विद मणिपुर कॉम्प्लेक्स हिल वैली डिवाइड, है ना। तो ये मणिपुर की जो वैली है वहाँ पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इसमें क्या है, इन 1870 कैप्टन टी एच लेविन इन डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द चित्तांगोंग हिल ट्रैक्ट एट द टाइम डिस्क्राइब द कुकीज पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट पीपल हु टच द बॉर्डर्स। मतलब क्या है कि जो यहाँ की कुकीज जनजाति थी वो बहुत ही पावरफुल है और वो बॉर्डर से टच भी करती है। और द हिल ट्रैक्ट दे एक्सटेंडेड इन नंबरलेस हॉर्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट अंटिल द रीच चाचर। मतलब इनका जो एक्सपेंशन है, मतलब जो इनका एरिया है, ये कहाँ तक लोकेटेड हैं, तो ये असम के चाचर डिस्ट्रिक्ट तक हैं। नॉर्थ हॉर्स नंबरलेस नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ हैं। तो ये चाचर डिस्ट्रिक्ट तक है। ऑन वन हैंड एंड द फ्रंटियर्स ऑफ बर्मा ऑन द अदर, और एक साइड में ये बर्मा यानी म्यांमार से भी टच करते हैं। द ऑफिशियल रूट ऑफ द कुकीज इन हिज अकाउंट द रिकॉर्ड पॉइंट टू द ट्रेडिशनल कुकी पैटर्न ऑफ मूविंग थ्रू लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड एज लैंड ओनरशिप वॉज पॉज्ड ओनली द एल्डेस्ट सन ऑफ द विलेज चीफ लीडिंग टू एक्सपेंशन डिप्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉस्चर बाई अदर मैन इन द फैमिली। मतलब इनका क्या काम है, ये ट्रेडिशनल कुकी पैटर्न ऑफ मूविंग थ्रू, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हैं, मतलब आते जाते हैं, और इनका परमानेंट सिस्टम नहीं है, मतलब ये लोग जूमिंग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं। साथ में डिस्प्रिजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉस्चर, है ना, न्यू पॉस्चर फॉर्मेशन करते हैं। द कुकीज आर एन एथनिक ग्रुप इंक्लूडिंग मल्टीपल ट्राइब्स ओरिजिनली इनहैबिटेटिंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग मणिपुर मिजोरम असम पार्ट्स ऑफ बर्मा नाउ म्यांमार एंड बांग्लादेश। मतलब ये कुकीज़ जो जनजाति है वो इंडिया में असम मणिपुर और मिजोरम में है। साथ में हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं, मतलब म्यांमार और बांग्लादेश। जूमिंग आउट इनटू द प्रेजेंट व्हेन द स्टेट ऑफ मणिपुर हैज़ द एपी सेंटर ऑफ वाइड स्प्रेड कम्युनल क्लासेस सिंस May 3 नॉन ट्राइबल मेतई ऑर्गेनाइजेशन। मेतई एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, नॉन ट्राइब्स का ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सा, मेतई ऑर्गेनाइजेशन, नॉन मेतई डिस्क्राइब्स कुकी ट्राइब्स फॉरनर्स एंड इलीगल इमिग्रेंट्स। क्या बोला है कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स, दे आर होल्डिंग कुकी जूमी ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर द एथनिक क्लासेस दैट हैव क्लेम्ड मोर देन 120 लाइव्स एंड डिसप्लेस्ड मोर देन 50,000 पीपल द कुकी जूमी ग्रुप। मतलब इसको कुकी जूमी ग्रुप भी बोलते हैं। हैव डिनाइड द एलिगेशन इंसिस्टिंग द ट्राइबल कम्युनिटीज़
have been systematically targeted for ethnic cleansing. The accused BJP lead Ann Biren Singh है वो गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ ट्रीटिंग them as outsider, है ना. A look at the ethnic background of the cookies reveals that the cookie Zumi Mizo Chin. Cookie Zumi Mizo Chin people migrated from inner Asia, मतलब inner Asia or mainland China. Interestingly, multiply anthropologists including Edmund Lee track to China the origin of the other two prominent communities in Manipur, Nagas and Metis, both having had their shares of conflict with the Kukis and other British officers. Cole M.C. Pula has argued linguistically two Kukis and Metis have commonalities of origin at today with share penned ethnic differences. All three groups are vying exclusivity, land and political representation. This can in part be tracked back to the fact that the concertation of tribal identities and nomenclature in the region happened during the time of the British. अब क्या है कि settlement pattern over time the ethnic communities frogged through generation adopt their own often conflicting path pattern settlement livelihood and land ownership with the Nagas engaging in the territorial agriculture in the hills, the Kukis engaging in the shifting or zoom cultivation resulting in their expansion through the forested tract, and the Metis choosing to live in the cultivated valley area. जो मेतेई community है उसने valley area में cultivation किया है. It was these seemingly expansive nest patterns of land ownership and cultivation that put the Kukis at the odds with the other two communities. Land and cultivation pattern are also be hind the current conflict. The Kuki Zumis are opposing survey and evacuations being conducted by the administration to categorize more areas as reserved forest, while the state government also cracked down on poppy cultivation by the. अब देखिए यहाँ पे पोपी कल्टिवेशन का भी नाम आया है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा. By the tribes, है ना. Besides, it is true that cookies their strong kinship patterns have often resulted in the tribes giving shelter to their extended kin from the other side of the border, as seen this time in the case of Myanmar Kukis entering the state in the wake of the junta takeover of 2021. Another trigger देखिए यहाँ पे जो है वो कुकीज़ जनजाति के बारे में बात की गई है. कुकीज़ जनजाति का जो पैटर्न है रहने का जो तरीका है वो क्या, वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं और ये लोग माइग्रेटरी एक तरीके से ट्राइब्स है. तो शीन हाँ एक्सटेंडेड किन फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर एज सीन दिस time in the case of Myanmar Kukis entering the state in the wake of the junta takeover of 2020. Another trigger for the current clashes was the long standing and apparent divide between the hills and valley region of Manipur.
ये जो करंट का जो सिनेरियो है, मतलब करंट का जो सिनेरियो है किस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसका जो रीज़न है वो है हिल्स और वैली रीजन ऑफ मणिपुर डिवाइडेशन पर हो रहा है। द वैली विच कंप्राइज अबाउट 10% ऑफ मणिपुर लैंडमास, जो जिसमें वैली जो है वो 10% लैंडमास जो है वो मणिपुर, इज़ डोमिनेटेड बाई द नॉन ट्राइबल मेतेई हु अकाउंट फॉर मोर देन 64 ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन एंड एल्स 40 ऑफ द स्टेट 60 MLA। द हिल्स कंप्रेजिंग 90% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया इनहेबिटेड बाई मोर देन 35% रिकोगनाइज ट्राइबल्स, बट सेंड ओनली 20 MLAs टू द असेंबली, वाइल मोस्ट ऑफ द मेथेईज और हिंदू शना माही एंड मिनोरिटी इज द मुस्लिम द नागा एंड द कुकीज जूमी क्लैंस मोस्टली फॉलो क्रिश्चियनिटी। मतलब यहाँ पे जो लोग हैं वो मोस्टली किसको फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी। दोज लिविंग इन हिली रीजन्स हैव रिलेटिवली पुअर एक्सेस बेसिक फैसिलिटीज़। यहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी बहुत पुअर है, मतलब अच्छे से नहीं। आर पुअरली रिप्रेजेंटेड इन द पब्लिक सेक्टर्स जॉब, और पब्लिक सेक्टर जॉब भी है वो भी कम है। एंड वेरी फ्यू ऑफ देम वर्क इन इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे कम है क्योंकि यहाँ का जो एरिया है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत वेस्ट नहीं है, इस वजह से भी है। मीनवाइल द मेतेईज हु आर स्ट्रैप्ड फॉर लैंड इन द वैली वांट द राइट टू बाय लैंड इन द हिल जस्ट ट्राइब्स कैन डू इन द वैली। मतलब तो इसीलिए वैली और हिल्स पे हो रही हैं बातें, और उनका मानना है कि जो वैली का लैंडमास है वो कुछ हद तक परफेक्ट है, और इसीलिए वो अपने अपने निवास स्थान के लिए, अपने अपने लैंडमास के लिए एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कौन सी जनजाति? कुकीज़ जनजाति और मेतेई कम्युनिटी के बीच में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मेतेई एंड कुकीज़ है ना, दो ट्राइब्स हैं, इनके बीच में किस को लेकर के, लैंड मास को लेकर के, मतलब लैंड को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है। कि मतलब उनका कहना है कि ये ज़मीन जो है वैली और हिल्स के बाद, अब पहली बात जो कुकीज़ जनजाति है वो कहाँ कहाँ, तो इधर असम में भी है, बांग्लादेश के म्यांमार के बर्मा में है, बांग्लादेश में है, और मणिपुर में है, और मिज़ोरम में है, ठीक है। तो इंडिया के 3 स्टेट्स में है ये मोस्टली पाई जाती है, और उसके बाद में बर्मा और बांग्लादेश में। तो इनको इलीगल भी बोला है। इन लोगों का मेन जो डिपेंडेंसी है वो शिफ्टिंग कल्चर एग्रीकल्चर पर है, क्योंकि ज्योग्राफिकल रीजन है बहुत अच्छा नहीं है, और इनका कहना है कि यहाँ पर जॉब भी बहुत कम है, और जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी बहुत कम है, इस वजह से ये लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आज की हम जल्द ही लेकर के आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।